हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी एक्चुअली कंप्लीटेड आवर प्लांट न्यूट्रिशन पार्ट फ्रॉम आवर सिलेबस और फिर हमने उसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी किया और हमने लास्ट एक जूम क्लास भी लिया जिसमें हमने हमारे सारे डाउट्स भी क्लियर कर लिए। वी हैव डन द रीडिंग पार्ट ऑफ इट और हमने एक्सपेरिमेंट्स भी डिस्कस कर लिए। तो अभी जो बचा हुआ पार्ट है अपना, दैट इज ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। ओके, तो आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन को। और जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है अबाउट प्लांट न्यूट्रिशन कि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते थे, एंड नाउ एज वी टर्न टुवर्ड्स एनिमल न्यूट्रिशन, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है इट डिपेंड्स ऑन सम और द अदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड, बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स ने इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके फूड प्रिपेयर किया हुआ है, राइट? और फिर उसने सनलाइट की एनर्जी को हार्वेस्ट किया या फिर केमिकल एनर्जी को हार्वेस्ट किया, एंड देन दे हैव ऑब्टेन्ड द फूड। और ये जो फूड है वो प्रोड्यूसर्स, इसीलिए उनको बोला जाता है, और फिर प्रोड्यूसर्स से वो जाएगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, एंड दोज विल बी हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इट ऑक्यूपाइज, जनरली इसके जो है वो स्टेप्स काफी कॉमन होते हैं। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स फाइव मेजर स्टेप्स इनटू इट। फर्स्ट इज इंजेशन, ठीक है, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ असिमिलेशन, एंड लास्ट इज फिफ्थ वन इजेशन। ठीक है, ये पांच स्टेप है जो कॉमन है फॉर ऑल ऑफ द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन, दैट इज इनटेक ऑफ द फूड, डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड मटेरियल, एब्जॉर्प्शन दैट सिंपलर फूड मटेरियल इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड इट इज बीन एब्जॉर्ब्ड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड देन नेक्स्ट इज असिमिलेशन जिसमें हम ये जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है वी ट्राई एंड यूज इट, and then last is digestion, that is whatever is left over from the digestion process has occurred, वहां से बचने वाला जो सब कुछ जो waste है उसको बाहर फेंक देना is called as digestion। ठीक है, तो these are the five major steps which are involved into, we can say, nutrition in animals। okay, तो यहाँ पे जो हम nutrition in animals पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें we have two organisms to study and इनका in detail आपको study है, और उसमें से दोनों के ऊपर questions बहुत बार पूछे जाते हैं board examinations में। okay, तो एक तो बहुत ही commonly asked question है and that is related to amoeba। okay, so first part which we are going to study today is nutrition in amoeba। ओके, या फिर उसका जो दूसरा पार्ट है जो हम पढ़ने वाले वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है या फिर डाइजेशन इन ह्यूमंस जो है, इसको हम इन्हीं पांच स्टेप्स में डिवाइड करेंगे और फिर जाके हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टडीइंग दीस फाइव स्टेप्स, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन टू स्टडीइंग ऑल ऑफ दीस फाइव स्टेप्स एंड ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा, वी नो अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर है। ठीक है, ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये जो अपना फूड ऑब्टेन करता है वो अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है। ओके, सो वी नो अमीबा इट इज इररेगुलर इन शेप, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन। नाउ व्हेनेवर अमीबा नीड्स द फूड, ओके, सो इट ऑब्टेन्स द फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस में क्या करता है अमीबा, इट टेक्स इन द फूड और ईट्स इन द फूड। ठीक है, एक्सटेंडिंग व्हाट, एक्सटेंडिंग इट्स सुडोपोडिया, ये अपनी ऑलरेडी क्लास 8 से लेके अभी तक पढ़ा हुआ रहता है। ओके, सो सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज एन अमीबा, ओके, एंड दिस अमीबा सेंसेस अ फूड पार्टिकल हियर। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनटू द नेक्स्ट स्टेप, यहां से ये अपने सुडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, and it will start looping around the food material or food particle which has been seen, okay, and then third step mein wo kya karega, it will engulf the food inside itself,
ठीक है। Now, this process is phagocytosis, okay? So, phagocytosis का मतलब क्या होता है? Whenever cell eats something, phagos eating, okay? So, whenever the cell eats the food from outside to inside, then it is called as a phagocytosis process, ठीक है? ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है इसको हम बोल सकते हैं टेम्पररी स्टमक, ठीक है? So, amoeba, what does it do? It engulfs the food inside and keeps it inside a temporary stomach, okay? Temporary stomach is liye kyunki ye iska food vacuole hai. Food vacuole functions exactly same like the digestive system in our body, okay? Now amoeba does not have a very complex structure and it does not have very complex organs and organelles and into it. So hence uske jo bhi sare simpler vacuoles hai unko hi hum log isko नेक्स्ट स्टेप्स में नाम देते जाते हैं, ठीक है? सो नाउ इट प्रोड्यूसेस अ टेंपरेरी स्टमक जिसमें इसने अपना फूड एंगल करके अंदर रखा हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ कम्स दी, ये हो गया प्रोसेस ऑफ इंजेशन, खा लिया उसने, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे आई मार्क कर देती हूँ, आई इज फॉर इंजेशन, ठीक है? उसके बाद के स्टेप में वो क्या करेगा, उसके बाद के स्टेप में इस टेंपरेरी स्टमक के फूड में जो फूड पड़ा हुआ है उसमें वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो डालना शुरू कर देगा, ठीक है? सो एज सून एज इट स्टार्ट्स पुटिंग इन द डाइजेस्टिव जूसेस, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ऑफ डाइजेशन, मैं यहाँ पे डी लिख देती हूँ इसको, डाइजेशन, ठीक है? तो डाइजेस्टिव जूसेस अंदर जाएंगे, ये जो फूड पार्टिकल है उसको ब्रेक करना शुरू कर देंगे एंड जैसे जैसे उसका ब्रेकिंग होते जाएगा देन इट विल स्टार्ट गेटिंग डाइजेस्टेड, getting it, okay? So now it will start getting digested and comes the next step, जिसमें क्या होगा? ये जो अमीबा है, जिसने अभी ये food digest कर लिया है, उसमें से जो भी सारे digested food material है और particles है, जो भी उसके लिए use का है, उसको वो क्या करने लगेगा? Absorb करने लगेगा, ठीक है? So I will write here A B for absorption, okay? इंजेशन हो गया आई, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, दैट इज जो भी उसने एब्जॉर्ब करना है, जो भी एसेंशियल चीजें है वो सब कुछ वो अंदर लेना शुरू कर देगा। देन कम्स असिमिलेशन, जिसमें वो क्या कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर पूरा जो फूड है, जो एसेंशियल है, उसको सबको वो असिमिलेट कर लेगा, ओके? तो वी विल राइट इट एज ए, असिमिलेशन, ओके? एंड कम्स द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में वो क्या करेगा, इजेशन करेगा। इजेशन यानी इट विल थ्रो आउट वॉट एवर वेस्ट इज प्रेजेंट, ठीक है? और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जैसे उसने फैगोसाइटोस करके उसको खाया हुआ था वैसे ही उसी वैक्यूम को वापस खोल के उसने क्या किया, इट इज थ्रोन आउट वॉट एवर वेस्ट इज बीन प्रोड्यूस्ड और या फिर वॉट एवर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस अमीबा कैन नॉट लाइक ईट इट एनी फर्दर, तो इसको हम रख के क्या करेंगे, सो हेंस अमीबा व्हाट डज इट डू इज थ्रोज इट आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है? सो हेंस हियर इट कम्प्लीट्स द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो उसने क्या किया, सबसे पहले फूड लिया, फूड को खाया, फूड को एंगल्फ करने के लिए फैगोसाइटोसिस करना था तो उसने अपने सुडोपोडिया एक्सटेंड कर लिया, दीज टू आर द सुडोपोडिया, ठीक है? क्या है ये, सुडोपोडिया, ओके? सुडोपोडिया एक्सटेंड कर लिया, सुडोपोडिया से उसने फूड पकड़ के अपना एक टेम्पररी फूड वैक्यूम बना दिया, टेम्पररी स्टमक हम बोल सकते हैं, टेम्पररी स्टमक के अंदर उसने डाइजेस्टिव जूसेस डाल दिए, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, आफ्टर डाइजेशन उसने उसमें से सारा जो भी इसेंशियल चीजें उनको निकाल लिया, दैट इज उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया, फिर जाके उसने उसको असिमिलेट कर लिया बॉडी के अंदर, जो भी यूजेस थे वहां पे उसने वो फूड मटेरियल को भेज दिया एंड लास्टली इट इजेक्टेड आउट वॉट एवर नॉन एसेंशियल थिंग्स और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वॉज प्रेजेंट, उसको रख के कुछ फायदा नहीं है, हेंस उसने क्या किया, उसने उसको बॉडी के बाहर फेंक दिया, ठीक है? सो दिस इज द कम्प्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन टू हुम, इन टू अमीबा, ओके? तो आपको इसके ऊपर दो वक्त का क्वेश्चन आता है, गिव डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीबा, डाइजेशन इन अमीबा, तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम इन अमीबा, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ओके? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या फिर इसको विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन फाइव स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व इन टू ह्यूमन न्यूट्रिशन या फिर एनिमल न्यूट्रिशन, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके? सो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा ऑकर्स, ओके?
then we go towards our next part. So next part which we are studying is human digestive system. Okay, so human digestive system जो है वो काफी complex है. It is not as simple as amoeba because now we know humans are multicellular. तो मल्टीसेलुलर होने के साथ वी हैव डेडिकेटेड ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी एंड ऑल ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम्स दे वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर. तो उसके वजह से एवरी ऑर्गन ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम का वो भी खुद एक ऑर्गन सिस्टम को हार्मनी में रन कर रहा है. ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसमें सिर्फ एक कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है और फिर ये सारे ऑर्गन्स जो है वो एक साथ काम करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वट एवर एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाउ द एग्जैक्ट डाइजेशन प्रोसेस ऑकर्स इन्वॉल्विंग दीज टू थिंग्स. ओके, तो आज के लिए हम सिर्फ उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स है और क्या क्या काम होता है वो स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद दिस एरिया, ठीक है, which is called as the buccal cavity. ठीक है, तो buccal cavity जो है that is called as mouth. okay, simple words में हम इसको mouth बोल सकते हैं या फिर इसको हम normally बोलते हैं oral cavity. okay, तो oral cavity मैं यहाँ पे आपके main नाम लिखते जाऊंगी और इस साइड में इसके parts जो है वो लिखते जाऊंगी ताकि आपको easy रहे समझने के लिए. okay, so सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि फर्स्ट थिंग इन्वॉल्व इज बकल कैविटी. तो बकल कैविटी में क्या क्या है? सो बकल कैविटी इज गार्डेड बाय अ स्लिट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माउथ स्लिट या फिर इसको हम बोलते हैं लिप्स एंड माउथ. ठीक है, सो इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्लिट विच ओपन्स द बकल कैविटी. ठीक है, इट इज गार्डेड बाय लिप्स. सेकेंड इज उसमें क्या है, सेकेंड आते हैं उसमें टीथ. ओके, सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई देगा अभी जो कि है ऑफ द टीथ सेट, टूथ सेट. ओके, सो दिस पिक्चर एक्चुअली एक्सप्लेन्स हाउ आर टीथ आर. ओके, सो इनटू आवर माउथ वी नो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ व्हिच आर इन्वॉल्व. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो सामने के चार दांत है दीज आर कॉल्ड एज द इंसीजर्स. तो इंसीजर्स का काम क्या होता है? कटिंग का, बिकॉज जनरली वी डू दिस थिंग इन फ्रंट टीथ. ओके, जो क्या करते हैं जब भी हम कोई इमेजिन योरसेल्फ टेकिंग अ slice of bread and eating. Okay, so what do? We bite it, we cut it with our front teeth. Okay, so incisors, like scissor, we are cutting the food into pieces. ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला है? Incisors. तो incisors are the front teeth. Generally ये broad होते हैं और आगे से उसका नीचे का area जो है वो काफी broad and flat होता है जो cutting में help करता है. It is more like a knife or a scissor. Okay, then second is the canines. The tooth which is very sharp and at the corner of our mouth. okay, तो ये जो tooth है उसको बोलते हैं canine. canine जो है normally carnivores में ये काफी लंबा होता है और sharp होता है. आप अगर कोई भी cat, dog या फिर कोई भी दूसरा carnivore पकड़ लो, lion, tiger से लेके सभी जो है carnivores, उनमें आपको ये काफी sharp and long दिखाई देता है. ठीक है, तो ये जो canine है, okay, it is used for tearing. ओके, जनरली कार्निवोरस एनिमल्स जो है दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. तो उनको फ्लैश टेयरिंग करना पड़ता है या फिर स्किन टेयरिंग करना पड़ता है. सो हेंस दिस कैनाइन विच इज वेरी शार्प एंड लॉन्ग, व्हाट डज इट डू इज इट हुक्स इनटू द मीट एंड टेयर्स इट ऑफ. ओके, या फिर नॉर्मली हमने देखा होगा आपको अगर गन्ना भी अगर छीलना है तो आप उसको ऐसे नहीं छीलते हो, आप उसको कहां से छीलते हो? यहां से छीलते हो. ओके, दैट इज इनटू द कैनाइन. तो कैनाइन क्या करता है, उसको आप नॉक किसी भी चीज में उसको आप नॉक करके रख सकते हो और फिर इट हेल्प्स यू टू टियरिंग इट ऑफ. ओके, सो एज दैट इज कैनाइन, दैट इज शार्प लॉन्ग टीथ. तो इसी वजह से कैनाइंस डॉग्स को कैनाइंस भी बोलते हैं बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग शार्प कैनाइन टूथ. ओके, देन नेक्स्ट इज आफ्टर कैनाइन कम्स टू सेट हियर. ओके, तो यहाँ पे जो है ऊपर में और नीचे में दो सेट है जो कि काफी पॉइंटेड टूथ भी है पर ये प्री मोलार्स है. ओके, मोलार यानी जो लास्ट का सेट है जो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, बट उसके पहले वाला जो सेट है उसको बोलते हैं प्री मोलार. प्री मोलार जो समवेयर इन बिटवीन मोलार के जैसे कैरेक्टर्स एंड कैनाइन के जैसे कैरेक्टर्स, बिकॉज इट इज ऑल्सो शार्प एंड लॉन्ग बट इट इज अगेन मोर लाइक फॉर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑल्सो. तो इट इज हेल्प फॉर टियरिंग एंड ग्राइंडिंग. तो वो हो गए दो मोलार. और फिर उसके पीछे में जो है वहां पे होते हैं तीन मोलार्स. ओके, जनरली दीज आर नॉर्मली आपको आपके बॉडी में यहाँ पे दो मोलार दिखाई देंगे बट देन आफ्टर सर्टन एज वहाँ पे एक और मोलार आता है, उसको हम थर्ड मोलार बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज वेरी कॉमनली एंड वेरी फेमसली नोन एज द विजडम टूथ. ओके, विच इज द थर्ड मोलार इन टू आर
बकल कैविटी, ठीक है। तो ऐसे हमने सिर्फ ये अभी एक साइड के नीचे के जो दांत है उसको काउंट किया है, दैट इज सामने के दो इंसिजर, एक के नायन, दो प्रीमोलर, तीन मोलर। ओके, सो काउंटिंग इट लाइक दिस यू विल गेट अ फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, एंड डेंटल फॉर्मूला इज जनरली रिटन लाइक दिस 2 1 2 3 by 2 1 2 3। ओके, सो व्हाट इज दिस 2 1 2 3? टू इंसिजर्स, वन कैनायन, टू प्रीमोलर्स, थ्री मोलर्स। ओके, सिमिलरली काउंटेड डाउनवर्ड्स, इसीलिए नीचे 3 2 1 2, ठीक है। एंड देन गो टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर फेस, अगेन दो इंसिजर्स, एक कैनायन, फिर दो प्रीमोलर्स और फिर तीन मोलर्स। ओके, सो हेंस ऊपर और नीचे, सो एंड दैट इज आवर डेंटल फॉर्मूला। ओके, तो डेंटल फॉर्मूला इज 2 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया टूथ फॉर्मूला। तो उसके बाद और क्या है? तो ये तो हो गई दो चीजें, लिप्स एंड माउथ, देन वी हैव टीथ। ओके, देन व्हाट इज फंक्शन ऑफ टीथ? तो फंक्शन ऑफ टीथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीथ जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला, इनके शेप्स के हिसाब से इनके फंक्शंस है। इंसिजर्स आर यूज फॉर कटिंग, प्रीमोलर्स एंड कैनाइन्स आर यूज फॉर टीयरिंग, ठीक है। देन मोलर्स जो है, अगर आप उसको देखोगे तो उसका ऊपर का सरफेस काफी फ्लैट एंड ब्रॉड होता है, ठीक है। एंड देन इमेजिन योरसेल्फ व्हाइल यू पुट अ स्मॉल बाइट इनटू योर माउथ एंड देन चू इट। ओके, तो चूइंग के टाइम में क्या होता है, ये जो ऐसा फ्लैट सरफेस है हमारे मोलर का, व्हाट डज इट डू? इट रब्स ऑन ईच अदर लाइक दिस, ठीक है। और इसके बीच में अगर आप फूड रख दो तो वो उसको काफी अच्छे से ग्राइंड करता है। ओके, सो मैंने व्हाट एवर ग्राइंडिंग इज डन, इट इज डन हियर, ठीक है। कटिंग इज डन हियर, टीयरिंग इज डन हियर। सो हेंस दीज आर पार्ट्स ऑफ आवर माउथ विच आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दिस डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, दैट इज कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, तो ये हो गया अपने टीथ के बारे में, ठीक है। तो टीथ ने तो ग्राइंडिंग कर लिया, और फिर ग्राइंड करते वक्त एक और चीज होती है, एंड दैट इज मूवमेंट ऑफ द बाइट विद इनटू आवर माउथ। ओके, तो ओरल कैविटी जो है काफी बड़ा है, तो उसको अंदर में सब फूड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, राइट टू लेफ्ट मूव करना, ऊपर नीचे मूव करना, या फिर पीछे उसको धकेलना, ये सब चीजें करता है एक मस्कुलर ऑर्गन, और उसका नाम है टंग, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज टीथ के बाद आता है टंग, ठीक है। तो टंग इज अगेन ए मस्कुलर ऑर्गन। ओके, ये ऐसा एक ही मसल है अपनी बॉडी में जो सिर्फ एक एंड से अटैच है, बाकी सारे मसल दो एंड से अटैच है, ये काफी कॉमन सा फैक्ट है। ओके, तो ये टंग जो है, इट इज मस्कुलर, इट इज वॉलंटरी, एंड इट इज वेरी 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 फंक्शनल, यानी कि इसके बहुत सारे फंक्शन है हमारे बकल कैविटी में, एंड इट इज हाईली फंक्शनल बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं मल्टी टैलेंटेड है, या फिर मल्टी टास्किंग भी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हेनेवर वी टॉक, तो बात करते वक्त जो सारे वर्ड्स को मोल्ड करने का काम है वो भी हमारा टंग करता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वो क्या फंक्शन करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले भी बोला, माउथ के अंदर फूड का मूवमेंट जो है वो स्मूथली सब जगह पे होना चाहिए, इसका केयर कौन लेता है? टंग लेता है, ठीक है। सो टंग हेल्प्स इन टू मूवमेंट ऑफ द फूड, व्हाटएवर बोलस वी हैव टेकन, यानी कि जो बाइट होता है उसको जब हम चबाते हैं तो उसको बोलते हैं बोलस। सो बोलस को मुंह के अंदर मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे, और फिर उसमें सलाइवा का मिक्सिंग अच्छे से करना, ये काम करता है टंग, ठीक है। सो ये तो हो गया उसका मैकेनिकल वर्क। इसका और एक फंक्शन है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये अगर नहीं होता तो मे बी हमें फूड खाने में इतना इंटरेस्ट ही नहीं आता था, दैट इज डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। ओके, सो टंग के डिफरेंट रीजन है जहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट मिलते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट इन टू फूड, लाइक बिटर, स्वीट, सार, ओके, या फिर सॉल्टी, ठीक है। ये सारे टेस्ट जो है वो हमारे टेस्ट बड डिटेक्ट करते हैं, और टेस्ट बड जो है वो हमारे टंग के ऊपर होते हैं, और इसके थ्रू हमें सब चीजों का वी कैन से फ्लेवर आता है। ओके, सो हेंस टंग का दूसरा फंक्शन इज टू टेस्ट व्हाटएवर फूड वी हैव ईटन। ओके, तो वो हो गया उसका फंक्शन। तो ये हो गई तीन मेजर चीजें जो प्रेजेंट है हमारे बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी में। इसके अलावा इसमें सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड, जैसे मैंने पहले भी बोला, हम बायोकेमिकल प्रोसेस में इसको बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। देन इट एंड्स इनटू दिस रीजन। ओके, यहाँ पे जो होता है रूफ ऑफ द माउथ होता है, ये जो पार्ट है, तो ये जो पार्ट है रूफ ऑफ द माउथ, दिस इज कॉल्ड एज पैलेट, ठीक है। पैलेट एंड्स इनटू सॉफ्ट रीजन व्हिच इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट। ओके, सॉफ्ट पैलेट के बाद ये जो रीजन आता है इसको बोलते हैं नेसोफैरिंजियल रीजन। नेसोफैरिंजियल रीजन इज जो
नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी एक साथ आके जो जुड़ता है उसको बोलते हैं नेजोफेरेंजियल रीजन। नेजोफेरेंजियल रीजन के बाद आता है एक लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, इस लॉन्ग ट्यूब का नाम है ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस जो है इट इज लॉन्ग स्लेंडर मस्क्यूलर मेड आउट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है। तो ईसोफेगस जो है इट स्टार्ट फ्रॉम बाय द एंड ऑफ आवर बकल कैविटी एंड एंड्स टिल द माउथ ऑफ द स्टमक, ओके। ईसोफेगस क्या करता है, जो हमने मुंह में चबा के बाइट को बोलस बनाया है, जिसको हमने स्मूथ बनाया है, जिसको हमने ग्राइंड करके पेस्ट बनाया है, ऐसे वाले बोलस को जब भी हम अंदर धकेलते हैं टंग के थ्रू, तो ये यहाँ से मूव करके इसने जाना चाहिए कहाँ पे, स्टमक में जाना चाहिए। तो यहाँ से वो पैसेज जो है उसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। नाउ ईसोफेगस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस इज व्हेनेवर वी हैव टू पुश द बोलस डाउन द ईसोफेगस। तो हम इसको सोच के नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम बैठ के ये नहीं सोच रहे कि अभी मैंने फूड को अंदर धकेल दिया है तो उसको जाके मुझे स्टमक में पहुंचाना है, वो अपने आप पहुंच रहा है। तो वो पहुंचता कैसा है, ओके। सो व्हेनेवर द बोलस इट एंटर्स इनटू द ईसोफेगस, सपोज इट इज हियर, ठीक है, और उसको पहुंचना है नीचे, तो हम क्या करेंगे, ईसोफेगस को ऊपर से हम उसको पिंच करेंगे एंड नीचे से रिलैक्स करेंगे। सो इट गोज लाइक दिस हियर एंड इट रिलैक्सेस ऑन द डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक वेव मूवमेंट क्रिएट होता है इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। ये जो वेव मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, फूड को हम सामने धकेलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेव है तो ये फूड है, फूड को हमें नीचे धकेलना है, सो पुश इट लाइक दिस, यहाँ पे वेव क्रिएट करो तो ये फूड जाएगा नीचे, ठीक है। इसको सिंपली एक्सप्लेन करना है तो अगर मुझे टूथपेस्ट मेरे पेस्ट के ट्यूब से निकालना है तो मैं क्या करूंगी, पीछे से उसको धकेलूंगी, ठीक है। सिमिलरली मुझे अगर फूड को यहाँ से निकालना है तो मैं यहाँ से उसको दबा दबा के नीचे लेके आऊंगी, ओके। सो दैट मूवमेंट, दैट रिदमिक मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनटू द वॉल ऑफ द ईसोफेगस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस, ये उसका डेफिनेशन है। तो पेरिस्टाल्सिस करने के लिए ईसोफेगस का वॉल इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर इज ए इनवॉलेंट्री मस्क्यूलर फाइबर, और ये क्या करता है, ये कोई भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आराम से कर सकता है, बट कंडीशनल, नॉट द वन विच स्टार्ट्स एट सर्टेन टाइम पीरियड एंड एंड्स एट सर्टेन टाइम पीरियड, बट देन द वंस विच आर कंडीशनल। तो ये करके वो क्या करता है, फूड को यहाँ पे भेज देता है। तो स्टमक, ओके, सो स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, ओके। फूड जो हमने बोलस के फॉर्म में निकाला था उसको हम भेज देंगे इनटू स्टमक, ठीक है। स्टमक जो है वो भी मस्क्यूलर है, वो भी डिस्टेंसिबल है। डिस्टेंसिबल यानी कितना भी एक्सपांड हो सकता है, कितना भी मतलब कितना भी नहीं, ओके, बट देन काफी हद तक बहुत ज्यादा वो एक्सपांड हो सकता है, उसमें आप कितना भी फूड डाल दो वो एक्सपांड होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये फूड अंदर चला जाता जाएगा, स्टमक का जो ओपनिंग है इट इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर मसल, ओके। स्फिंक्टर मसल जो होता है वो क्या करता है, ये स्टमक के ऊपर इट फॉर्म्स अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये कुछ ऐसा है, सपोज दिस इज द ईसोफेगस का पाइप एंड्स इनटू दिस एरिया, तो स्फिंक्टर मसल इट वर्क्स लाइक दिस, ओपन्स क्लोजेस, ठीक है। फूड आया, ओपन्स, फूड अंदर गया, क्लोज, ठीक है। ये करना जरूरी क्यों है, यहाँ पे ओपन क्लोज क्यों जरूरी है, बिकॉज फूड ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोज बहुत पेट भर गया नीचे से भी ऊपर जा सकता है, ओके। सो हैज़ टू अवॉइड इट द स्फिंक्टर मसल क्लोजेस, सो इट अलाउज ओनली वन वे एंट्री, ऊपर से नीचे ओनली, ठीक है। अगर वो नीचे से ऊपर गया देन वी नो द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज वॉमिटिंग, ओके। तो वॉमिटिंग में क्या होता है, जनरली स्फिंक्टर मसल के ऊपर का कंट्रोल जो है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से स्टमक के अंदर का फूड बाहर निकल आता है, ओके। तो हैज़ टू कीप द फूड इनसाइड देयर इज अ ओपनिंग कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल। ईसोफेगस से फूड आएगा, स्फिंक्टर मसल को नॉक करेगा, स्फिंक्टर मसल खुलेगा, इट विल गो इनसाइड द स्टमक, ठीक है। स्टमक के अंदर फूड के साथ रिएक्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस है, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है इट कंसिस्ट ऑफ HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। म्यूकस जो है वो स्टमक के वॉल को बचाता है,
HCl जो है वो एसिडिक मीडियम बनाता है और पेप्सिन जो है वो डाइजेशन करता है. पेप्सिन का एक्शन एंड इनका सबका एक्शन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, फिलहाल के लिए स्टमक. ओके, सो स्टमक भी स्मूथ मसल फाइबर से बना हुआ है. स्टमक भी रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करता है जिसकी वजह से फूड जो है अंदर चर्न आउट हो जाता है. जो हमने बोलस बनाया था उसको पेस्ट बनाया था ग्राइंड करके सलाइवा मिक्स करके, इसको जाके वापस उसमें ब्रेक करना ताकि उसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, ये सब कुछ कौन करता है? स्टमक करता है. तो स्टमक में भी थोड़ा सा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है. फूड ब्रेक्स एंड इट फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर विच यूनिफॉर्म मिक्सचर विच इज कॉल्ड एज चाइल. ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको नोट्स में दे दूंगी. ओके, आफ्टर स्टमक वापस से यहाँ पे एंड में एक स्फिंक्टर मसल रहेगा जो इसको गार्ड कर रहा है कि यहाँ पे वो फूड जो है वो काफी देर के लिए रहे, इसका डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो सके. ओके, देन आफ्टर दिस द स्फिंक्टर मसल ओपन्स एंड द फूड गोज इनटू अ थिन पाइप व्हिच इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ दो इट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बहुत थिन है, यानी कि वो डायमीटर में कम है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बना गया है बोला गया है और इसका लेंथ जो है वो काफी लंबा है. ठीक है, तो इसके लेंथ के हिसाब से ये सबसे बड़ा है, डायमीटर के हिसाब से ये छोटा है. ठीक है, सो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट विच इज द सी शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द डियोडेनम. डियोडेनम जो है इट इज द स्टार्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, मैं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देती हूँ. ओके, सो इसके तीन पार्ट्स क्या क्या है? ड्यूओडेनम, फर्स्ट इज ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम. ठीक है, तो ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम जो है उसके तीन पार्ट्स है. तो ड्यूओडेनम जो है ये सी शेप का पार्ट है. दिस पार्ट रिसीव्स यहाँ पे अटैच्ड पैंक्रियाज होती है. ठीक है, तो पैंक्रियाज के थ्रू और यहाँ पे होता है ऊपर में लीवर, तो लीवर के थ्रू एंड पैंक्रियाज के थ्रू आने वाला डाइजेस्टिव जूसेस जो है इट इज रिसीव्ड बाय दिस डियोडेनम. ओके, तो डियोडेनम में जो भी फाइनल डाइजेशन बचा हुआ है इट फिनिशेस इनटू दिस पार्ट. ठीक है, देन कम्स दिस लॉन्ग सर्कुलरली कॉइल्ड सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज दिस स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जेजुनम. ठीक है, जेजुनम जो है उसका अंदर का वॉल जो है जनरली इट इज स्पेसिफिकली मेड आउट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर अगेन, क्योंकि ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन करता है और इसके अंदर भी फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से सामने सामने जाते रहता है. जैसे जैसे फूड सामने जाता है, नाउ वी आर एंटरिंग फ्रॉम सेकेंड स्टेप इनटू थर्ड स्टेप, दैट इज इंजेशन हो गया था, डाइजेशन हो गया था, अभी आ गया थर्ड स्टेप. तो थर्ड स्टेप में इसका एब्जॉर्प्शन करना है. एब्जॉर्प्शन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल जो है उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे वाले. ठीक है, तो ऐसे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इनको हम बोलते हैं नॉर्मली विला या फिर इनको हम बोलते हैं सीलिया. इट इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम फ्रॉम इनसाइड. तो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, जो वॉल है उसमें से ऐसे प्रोट्रूडिंग सीलिया या फिर विलाय ऊपर निकालता है. ठीक है, तो एक सपोज ये सेल है और इसके ये सीलिया है. ठीक है, अगर सेल ऐसा सिर्फ बंद रहता तो उसमें सीलिया नहीं रहता, तो सिर्फ इतना सर्विस मिलता था हमें एब्जॉर्प्शन करने के लिए. बट नाउ एज इट हैज एक्सटेंडेड इट्स सीलिया एंड विलाय, वी गेट दिस मच ऑफ सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल. सो हेंस जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो दिस विल पेनिट्रेट इनसाइड द फूड व्हिच इज कम डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ट्राई एंड एब्जॉर्ब एज मच एज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इनटू दीज. अभी ये कितने होंगे, ये मिलियंस में होते हैं, क्योंकि एक सेल बहुत छोटा होता है साइज में और उसके बहुत सारे विलाय. ओके, तो ये बहुत ज्यादा सुपर एब्जॉर्प्टिव नेचर में होता है और इसीलिए अंदर का सरफेस जो है वो हमेशा दिखने में इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ टर्किश टॉवल. टर्किश टॉवल अगर आप देखोगे या फिर वेलवेट का अगर कोई कपड़ा देखोगे तो उसमें जैसे हमें छोटे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वैसे सेम ये सीलिया या फिर विलाई दिखती है. ठीक है, तो वो क्या करती है, सुपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल विच इज बीन डाइजेस्टेड. ओके, देन ईच सेल और ईच सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. क्यों, क्योंकि जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करिए उसको फटाफट ब्लड कैपिलरी में डाल के हम उसको ट्रांसपोर्टेशन में भेज देते हैं.
सो इट कॉइल्स एंड सुपर कॉइल्स. इसका रीजन क्या है, ताकि फूड जो है वो बहुत स्लोली पास हो, मूव होके थोड़ा थोड़ा वो पास हो, ताकि विलाय को और ज्यादा टाइम मिले, जो भी सारा एब्जॉर्ब फूड करना है वो सब कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, सो हेंस इट इज हाईली कॉइल्ड. फूड स्लोली जाता है, लंबा है. लंबा होने का रीजन भी है कि उसको बहुत टाइम लगे पास होने के लिए, और फिर वो वहां से पास होके वो जाके एंड में आएगा यहाँ तक. ओके, सो दिस एंड पार्ट इज कॉल्ड एजीलियम. और यहाँ पे जो है वहां पे इट एंड्स इनटू अ स्मॉल कॉमन शेप स्ट्रक्चर हियर विच इज कॉल्ड एज द अपेंडिक्स. ठीक है, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन यानी ऐसा ऑर्गन जिसका हमें अभी कुछ यूज नहीं है, इसीलिए ये रिड्यूस होके बहुत छोटा सा बच गया है. ओके, सो अपेंडिक्स जो है जनरली इट इज कॉल्ड एज अ रूमिनेंट. एनिमल्स का जो रूमन था उसका ही कुछ बचा हुआ पार्ट है हमारे बॉडी में. सो बिकॉज वी हैव स्टार्टेड कुकिंग आवर फूड, वी हैव स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड, नॉट ईटिंग रॉ फूड मटेरियल, वी आर मोर डिपेंडेंट नाउ ऑन एनिमल सोर्स ऑफ फूड मटेरियल. तो हमें बहुत इजीली फूड सारा और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए मिल जाते हैं, तो इसका यूज जो था वो रिड्यूस हो गया. सो हेंस इट इज रिड्यूस्ड एंड बिकेम अ स्मॉल छोटा सा एक ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स. ओके, सो अपेंडिक्स का अभी तो हमारे बॉडी में ऐसा कुछ फंक्शनिंग है नहीं, बट देन प्रीवियसली इट वाज यूज्ड इनटू डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन. ओके, तो यहाँ से वो एंड होगा इनटू अपेंडिक्स, एंड अपेंडिक्स के बाद आता है एक मोटा सा ट्यूब जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ अगेन लार्ज ट्यूब क्योंकि ये बड़ा है इसलिए नहीं, बट इसका डायमीटर बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में. ओके, सो इट इज क्वाइट थिक, क्वाइट वी कैन से फ्लफी इन डायमीटर. And it is divided into three parts. First is the ascending colon. Colon yani larger intestine. Ascending colon, ascending the one which goes up. Then is transverse, the one which goes horizontally. And the descending colon which comes down. Okay, so I'll write it down here again. This is what? Large intestine. Okay, and then iske teen part kya hai? फर्स्ट इज असेंडिंग कोलोन, सेकेंड इज ट्रांसवर्स कोलोन, एंड थर्ड इज डिसेंडिंग कोलोन. ओके, सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना टाइम लेके फूड आया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट वैल्यू बची हुई है. तो बचा क्या है, बचा है रफेज. रफेज इज द फूड मटेरियल विच इज अनडाइजेस्टेड, और हमारी बॉडी इसको फर्दर एब्सॉर्ब नहीं कर सकती. तो ऐसा कुछ फूड मटेरियल बचा हुआ है. देन इट कंटेन्स वॉटर, इट कंटेन्स मिनरल्स, इट कंटेन्स विटामिन, एंड इट कंटेन्स ऑल ऑफ द एसेंशियल, जो भी सारी मिनरल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सब कुछ इसमें प्रेजेंट होती है. तो जैसे ही फूड यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब आता है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर, मिनरल्स, विटामिन स्टार्ट्स. ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तब इसका एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से लेके इंटिल इट रीचेस हियर. हियर ओनली वेस्ट विच इज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वही बचता है. ठीक है, सो हम लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम. लार्ज इंटेस्टाइन का और एक काम है, और वो है वहां पे वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके एक बैक्टीरिया को अपने अंदर बना देता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई. इकोलाई इज इस्टेरिशिया कोलाई. तो इस्टेरिशिया कोलाई जो है वो क्या करता है, इट इज सिम्बायोट. ये यहाँ पे रह के जो सारा बचा हुआ रफेज है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, उसके थ्रू ये अपनी नरिशमेंट करता है, और हमारी बॉडी को ये फ्री में विटामिन B12 प्रोड्यूस करके देता है. तो यहाँ पे विटामिन B12 प्रोड्यूस होगा, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. बचा हुआ फूड विल कम एंड रेस्ट हियर इनटू दिस, वी कैन से सिग्मोइड कोलोन. ओके, सिग्मोइड कोलोन इज द वन विच टर्न्स डाउनवर्ड्स. ओके, और एंड एंड्स इनटू अ ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज रेक्टम. ठीक है, रेक्टम इज लिटिल बिट स्वोलन बाय, ये जो है वो क्या करता है, सारे रफेज को कलेक्ट करके रखने में हेल्प करता है. ओके, एंड एट द एंड देयर इज अ ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एनस. ठीक है, एंड दिस एंड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम. एनस के बाहर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल उसको फेंका जाता है, और फिर जाके द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेडी फॉर नेक्स्ट बैच ऑफ फूड कमिंग इन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. ओके, सो हेंस दिस इज द
वी कैन से पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, राइट फ्रॉम बकल कैविटी जिसके अंदर लिप्स है, माउथ है जो कि मस्क्यूलर है और ये वॉलेंट्री है जो उसको चूइंग में हेल्प करता है, टीथ दैट इज यूज फॉर कटिंग ग्राइंडिंग एंड ट्यूरिंग और उसका डेंटल फॉर्मूला 2-1-2-3, ओके, वेयर एज देयर इज टंग विच इज मस्क्यूलर सिंगल एंड से अटैच्ड है, ये फूड को जगह पे मूव करने के लिए, बात करने के लिए, वर्ड्स फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, और फिर जाके उसके बाद आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर जो फूड को अंदर भेजने के लिए पेरिस्टाल्सिस को यूज करके हेल्प करता है, स्टमक, स्टमक के अंदर एक डिस्टेंसिबल बैग है, बड़ा सा बैग है गार्डेड बाय अ ओपनिंग स्फिंक्टर एंड अ क्लोजिंग स्फिंक्टर मसल, ये गैस्ट्रिक स्फिंक्टर मसल्स भी बोलते हैं इनको, और फिर ये फूड को अंदर ही अंदर डाइजेस्ट होने के लिए विद हेल्प ऑफ एचसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस हेल्प करता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम, ओके, एंड देन हियर सुपर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड ऑकर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विलाय, ड्यूओडेनम हैज रिसेप्टिव ट्यूब्स ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास जो हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर जाके फूड को एब्जॉर्ब करने का ये एरिया है, बहुत लंबा और थिन ऐसा ये पाइप है जो कि सुपर कॉइल्ड है जिसकी वजह से इन तीनों चीजों की वजह से उसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, वो एंड होता है इनटू अपेंडिक्स व्हिच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, नो मोर यूज्ड इनटू आवर बॉडी, गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की तीन पार्ट, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, जिसमें मेजॉरिटी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स टेक्स प्लेस, यहाँ से फूड जाएगा जो भी बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड एसोफेगस व्हिच इज ऑफ नो फर्दर डाइजेस्टिव एबिलिटी एंड इसके थ्रू हमें और कुछ नरिशमेंट नहीं मिलने वाला है तो वो बचा हुआ फूड इसको यहाँ पे एक्युमुलेट करेंगे इनटू रेक्टम एंड देन इट इज थ्रोन आउट ऑफ बॉडी थ्रू एनस, ओके, सो दिस इज इंजेशन प्रोसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वहां से पीछे में जो ब्लड वेसल्स थे जो उसको लेके जा रहे थे दे विल वर्क इनटू असिमिलेशन, फ्रॉम हियर इट गोज ऑन टू डाइजेशन, ठीक है, तो ये कंप्लीट करता है द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ओके, तो इसके ये सारे ऑर्गन्स, इसके ये सारे पार्ट्स एंड फंक्शंस, ठीक है, इसके अलावा इसमें हमें और एक्सेसरी ग्लैंड भी मिलते हैं जैसे कि माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे होता है पैंक्रियास, ऊपर में होता है लीवर एंड गॉल ब्लैडर, फिर जबकि कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की ग्लैंड्स है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये आज के लिए डायग्राम ड्रॉ करना है, इसके सारे नेम्स आपको लेबल करने हैं, इनके छोटे छोटे पार्ट्स जो है उनको लेबल करना है, इनके फंक्शंस आपको लिखने हैं, एंड देन यू हैव टू डू दिस दैट इज डाइजेशन इन अमीबा एंड द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, बस इतना ही आज का होमवर्क है, आप इसको अच्छे से कर लो, और वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद प्लांट न्यूट्रिशन, उसके भी जो भी सारे आपके बाकी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको भी कंप्लीट कर लो, और अगर कुछ डाउट होगा then I will be available for clearing your doubts, okay? So we will stop here for today because इसके beyond और पढ़ाऊंगे तो वो maybe शायद evaporate होते जाएंगे, okay? तो इतना आज कर लो, then we will study next time जो उसके glands हैं, gland के secretions क्या है, उनके functioning कैसे और उनके reactions क्या क्या होते हैं food के ऊपर, ये study करेंगे and then we are going to study functions of the digestive system, okay? So we'll stop here. I hope you have a great day ahead and enjoy. Bye bye.